लैला मजनू, वीर ज़ारा, रहना है तेरे दिल में, तुम बार तुम बिन, रॉक स्टार, मैंने प्यार किया, गैंग्स ऑफ वासेपुर, लिस्ट और भी लंबी है। ये सभी बॉलीवुड फिल्में पिछले कुछ महीनों में थिएटर्स में री रिलीज हुई हैं। नो डाउट सिनेमा फैंस आर सुपर एक्साइटेड फॉर दिस ट्रेंड एंड आर लविंग इट। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि क्या ये ट्रेंड सिर्फ नॉस्टैल्जिया को देखते हुए शुरू किया गया है, और बॉलीवुड इज डीलिंग विद अ बिग बिग क्राइसिस राइट नाउ, लाइक अ स्कैसिटी ऑफ कंटेंट एंड पुअर रिलीज प्लानिंग। चलिए वीडियो में इस टॉपिक पर डिटेल में बात करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई बॉलीवुड इज री रिलीजिंग ओल्डर फिल्म्स। हाय, दिस इज नीति रॉय, वेलकम टू माय चैनल। साल 2018 में जब तुम्बार रिलीज हुई थी तब फिल्म को इसकी कहानी, प्रोडक्शन डिजाइन और सिनेमेटोग्राफी के लिए काफी क्रिटिकल एक्लेम मिला। बॉक्स ऑफिस पर भी इट डिड वेल एंड बिकेम वन ऑफ द प्रॉफिटेबल फिल्म्स ऑफ दैट ईयर। लेकिन समय के साथ इट हैज गेन्ड कल्ट फॉलोइंग, कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉरर फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा बाय द फैंस। और अब इसके पॉपुलैरिटी का ही नतीजा है कि तुम्बार को एक बार फिर से थिएटर्स में रिलीज किया गया है, और खास बात है कि नई फिल्मों से कंपटीशन के बावजूद ये ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही है। और हाँ, इसी के साथ यश चोपड़ा की वीर ज़ारा को भी री रिलीज किया गया है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज बोथ द ओल्ड फिल्म्स आर डूइंग बेटर बिजनेस देन करीना कपूर्स लेटेस्ट रिलीज द बकिंगम मर्डर्स। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन रीसेंट मंथ्स बॉलीवुड फिल्मों को थिएटर्स में फिर से रिलीज करना एक नया ट्रेंड बन चुका है। इट्स बिकमिंग अ कल्चर नाउ एंड आई जस्ट होप इंडस्ट्री टू बी प्रैग्मैटिक अबाउट इट और ये फॉर्मूला में ना बंधे, क्योंकि यदि हर अगले हफ्ते किसी फिल्म को री रिलीज किया जाएगा इट विल एंड द थ्रिल एंड एक्साइटमेंट। ये एक ऐसा ट्रेंड होना चाहिए कि ऑडियंस अपनी पसंदीदा फिल्म का बेसब्री से इंतजार करें एंड नॉट अ थिंग दैट सो इजिली एक्सेसिबल। आई रिमेंबर वॉचिंग DDLJ फॉर द फर्स्ट टाइम इन थिएटर्स इन 2015, जब इसके 20th एनिवर्सरी पर इसे फिर से रिलीज किया गया था थिएटर्स में। इससे पहले मैंने इसे सिर्फ VCR पर देखा था या TV पर देखा था, क्योंकि when it released originally, I was a kid then, और हमारे शहर में थिएटर्स काफ़ी कम थे और जो थे वो दूर थे, सो देर वॉज ऑलवेज अ विश कि मैं इसे थिएटर में देखूँ। आई रिमेंबर दिस क्योंकि देर वॉज अ थ्रिल फैक्टर। Previously, the re-releases were limited to timeless masterpieces or some special occasions, like Amitabh Bachchan ke 80th birthday par, ek hafte tak unki popular filmein re-release ki gayi thi back to back, and the response from the audience was epic. Lekin ab 2010 ke baad ki filmein bhi theaters mein fir se release ho rahi hain, jinmein se zyada tar filmein OTT platforms par available bhi hain. हाँ, इनमें से कई फिल्में जबरदस्त ऑक्यूपेंसी दिखा रही हैं, व्हाइल ऑडियंसेस आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द री रिलीजेस, थिएटर्स आर ट्रीटिंग इट एज अ मीडियम टू मेक मनी। इट्स अ विन-विन सिचुएशन, बट अगेन ओवर सैचुरेशन कैन रिजल्ट इन द डेथ ऑफ ट्रेंड। हाउएवर, कुछ फिल्मों के दोबारा रिलीज किए जाने को लेकर मुझे बहुत खुशी है, लाइक अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर। जब ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी तो इसे महज 9 दिनों में ही थिएटर से उतार दिया गया था, क्योंकि सलमान खान स्टारर एकता टाइगर रिलीज होने वाली थी। उन 9 दिनों में फिल्म ने 26 से 27 करोड़ का बिजनेस किया था। जाहिर है फिल्म का जैसा क्रेज था इट वुड हैव डन मोर इफ इट गॉट स्पेस। अब जबकि इसे दोबारा रिलीज किया गया है, ऑडियंसेस आर सो हैप्पी फॉर इट, एंड सेम गोज फॉर तुम्बार, रॉक स्टार एंड लैला मजनू। ये फिल्में सेकेंड चांस डिजर्व करती हैं। आई मस्ट टेल यू द एवरेज ऑक्यूपेंसी फॉर लैला मजनू वॉज 40% ऑल ओवर इंडिया। मुंबई में कुछ जगहों पर 80% तक की ऑक्यूपेंसी भी देखी गई। दिस इज क्रेजी नंबर्स। ऑन द अदर हैंड, बॉलीवुड लव स्टोरीज लाइक रहना है तेरे दिल में, मैंने प्यार किया, तुझे मेरी कसम इज इवोकिंग द नॉस्टैल्जिया फैक्टर अ बिग टाइम। ऑफ कोर्स वॉचिंग माई टीनेज क्रश माधवन एंड दिया मिर्जा ऑन बिग स्क्रीन वॉज नॉट ऑन माई 2024 बिंगो कार्ड। नॉस्टैल्जिया के अलावा इट्स ऑल्सो लाइक अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यंगर ऑडियंस, लाइक दोज बॉर्न इन 2000 या उसके बाद, जिन्होंने कुछ बॉलीवुड क्लासिक को सिर्फ TV पर या OTT पर ही देखा है, लाइक DDLJ, शोले और मुगले आजम। ये ट्रेंड उनके लिए अपॉर्चुनिटी की तरह है टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑन बिग स्क्रीन। इट्स अ वे फॉर देम टू कनेक्ट विद द लेगेसी ऑफ बॉलीवुड। ऑल्सो ये पहली बार नहीं है जब फिल्मों को री रिलीज किया जा रहा है। 70s और 80s में भी ऐसा किया गया था। मुगले आजम, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में और डॉन, शोले, अमर अकबर एंथनी जैसी कई एक्शन एंटरटेनर फिल्में दोबारा रिलीज हुई और उन्होंने शानदार बिजनेस भी किया। इवन इन 2013 शोले के 3D वर्जन को 1000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं साल 2004 में मुगले आजम के कलर्ड वर्जन को पूरे जोर शोर के साथ रिलीज किया गया था। हाउएवर, पहले सैटेलाइट चैनल्स की पॉपुलैरिटी की वजह से और फिर OTT के आने से ये ट्रेंड बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, बट नाउ द ट्रेंड हैज रिवाइव्ड। और इस ट्रेंड को बूस्ट करने के पीछे इस वक्त आई थिंक कई कारण हैं। ऑफकोर्स
नॉस्टैल्जिया फैक्टर टॉप्स द लिस्ट, लेकिन ये बॉलीवुड में नए कंटेंट की कमी की ओर भी इंडिकेट करता है. यस, देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ कंटेंट इन द मार्केट राइट नाउ. आने वाले कुछ हफ्तों तक बॉलीवुड के पास कोई बड़ी फिल्म नहीं है, नो बिग थिएट्रिकल रिलीजेस. और इसकी एक बड़ी वजह मेकर्स की पुअर प्लानिंग है अबाउट द रिलीज डेट्स. 15 अगस्त को एक साथ तीन बड़ी फिल्में रिलीज कर दी गई, एंड देन फ्रॉम 16 अगस्त टू द एंटायर मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड इवन अक्टूबर इज ऑलमोस्ट वैकेंट विद ओनली फ्यू रिलीजेस. वहीं दिवाली पर भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन जैसी दो बिग बजट फिल्में फिर से क्लैश करने वाली हैं. सच बैड रिलीज कैलेंडर. मेनी वीकेंड्स आर गोइंग एम्प्टी और थिएटर्स को अच्छे कंटेंट की तलाश है. एज अ रिजल्ट लोगों को थिएटर्स तक लाने के लिए पुरानी फिल्मों को री रिलीज किया जा रहा है. साल 2024 के बॉक्स ऑफिस को देखा जाए तो इट इज एविडेंट दैट बॉलीवुड इज स्ट्रगलिंग. मुंजा, शैतान, कल्कि, स्त्री 2 जैसी कुछ फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया है, जबकि ज्यादातर बिग बजट फिल्मों को ऑडियंस ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, इंक्लूडिंग मैदान, बड़े मियां छोटे मियां, सरफिरा, चंदू चैंपियन एंड औरों में कहां दम था. इन 2023, दैट इज लास्ट ईयर, बॉलीवुड अप्रोक्सीमेटली डिड बिजनेस अराउंड 1800 to 2000 crores इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर. गदर 2 और जवान जैसी ब्लॉकबस्टर के अलावा कई हिट फिल्में भी मिली थी, बट दिस ईयर द कलेक्शन रिड्यूस्ड टू 1100 to 1200 crores एज ऑफ नाउ. इवन स्त्री 2 बिकेम हाईएस्ट बॉलीवुड ग्रॉसर एवर. सो यस, बॉलीवुड को वापस थिएटर्स में जगह बनाने के लिए अपने कंटेंट पर, अपनी रिलीज प्लानिंग पर काफी काम करने की जरूरत है. इट ऑल रियली डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई. अच्छी फिल्में आएंगी तो ऑडियंस भी थिएटर आएगी, अदरवाइज द सिचुएशन इज रियली गोना बी वर्स फॉर द इंडस्ट्री. हाउएवर, आई एम रियली होपिंग फॉर गुड न्यू कंटेंट फ्रॉम बॉलीवुड. 2024 के लास्ट क्वार्टर में सिंघम अगेन, भूल भुलैया 3, जिगरा, बेबी जॉन जैसी फिल्में आने वाली हैं जिस पर इंडस्ट्री की उम्मीद टिकी है. टिल देन री रिलीजेस आर कीपिंग द हॉर्स ऑक्यूपाइड. इफ थिएटर्स थिंक दैट द क्लासिक्स कैन स्टिल ड्रॉ द ऑडियंस, देन वाई नॉट. आप इस ट्रेंड पर क्या सोचते हैं? डू शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट्स बिलो. That's all for today, guys. Thank you for watching my video. If you like my content, please share and subscribe to the channel. Bye-bye.